कार्यक्रम रहेगा और क्या पूरा जो है रणनीति है? मैं आया तो हूँ, गांधी जी के बारे में कुछ चर्चा है तो मान करते हैं, गांधी जी की हवा बह रही है, क्यों बह रही है मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सब जगह गांधी जी की बातचीत हो रही है, बुला रहे हैं। और चूंकि गांधी जी के ही विचारों पर काम करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि मेरा एक नैतिक दायित्व है कि जहाँ भी लोग इस तरह की बात करना चाहेंगे वहाँ मैं पहुँच सकूँ, अगर तो ज़रूर तो यहाँ भी कुछ इस तरह का आयोजन है, इसमें सरकार भी शामिल है और नागरिक भी शामिल है, तो बस उसी कार्यक्रम में आया हूँ। आज के समय में गांधी जी का क्या संदर्भ बनता है या समझिए कि गांधी जी की हवा क्यों बन रही है, इसके बारे में थोड़ी बात करें। स्कूली बच्चे के कोर्स में अभी छत्तीसगढ़ शासन ने स्पेशली गांधी जी को शामिल किया है और लगातार हम देख रहे हैं कि राजनीतिज्ञ इन दिनों गांधी जी की काफी चर्चा कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं कि इन दिनों काफी चर्चा हुई गांधी जी? सिर्फ यही नहीं है, यह दुनिया भर में देखता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ सब जगह देखता हूँ कि जो बिल्कुल विपरीत धारा के वो भी अपने ही से घूम करके गांधी की बात, इसका मतलब सिर्फ इतना सा समझिए कि जिस विकास मॉडल को लेकर के पूरी दुनिया काम कर रही है, कोई हम ही लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं, पूरी दुनिया काम कर रही है जिस विकास मॉडल को, वो अब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, सबको ये महसूस हो रहा है कि इसके आगे कब कोई रास्ता नहीं, तो अगर रास्ता नहीं है तो दूसरा रास्ता है कि वापस लौटो, जब आप गाड़ी लेकर जाते हो और एक टी पॉइंट पर पहुँच जाते हो जिसके आगे रास्ता नहीं है तो घूमते हो, तो दुनिया आज उस मोड पर है, घूमना चाह रही है, उसको मालूम नहीं है कि कहाँ घूमना है, तो ये एक आदमी या एक विचार रखता है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ, सब लोग इसकी पूजा उजा तो करते हैं, इसको जांचने की कोशिश कर रही है, तो शायद ये उस तरह की स्थिति में हम लोग पहुँचे हैं कि इसको भी एक बार देख लिया जाए कि इसमें से कोई जवाब आ जाए, और मैं भी मानता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति है, गांधी जी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, गांधी जी अगर हमारे इस वक्त के सवालों के जवाब देने लायक हैं तो बड़े आदमी, अगर जवाब नहीं देने लायक हैं तो इतिहास क्या आदमी है, तो शायद वो चीज़ एक बार निर्णय हो जाए, ऐसी जगह पर सारी दुनिया पहुँची है हम लोग। सर, छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या से त्रस्त है, बीते 20 साल में भी समस्या खत्म नहीं हुई और ये हमेशा बात की जाती है कि रास्ता क्या हो सकता है, बताओ गांधीवादी विचारक आप क्या मानते हैं कि क्या गांधीवादी तरीके से इस समस्या का हल हो सकता है, कोई उपाय है छत्तीसगढ़ में? मैं से अगर कहूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं गांधीवादी तरीका वगैरह अच्छा नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि जो समस्या है उस समस्या का रास्ता ढूंढना चाहिए, बहुत समय से छत्तीसगढ़ में ये नक्सली समस्या है, ज़्यादा कम होती रहती है, रास्ता कहीं है नहीं, और अगर इसको आप थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखिए तो हर राज्य के पास कोई ना कोई नक्सली समस्या है, भले उसका नाम कुछ नहीं, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, पूरा महाराष्ट्र है परेशान है इस समस्या से, इसका मतलब है कि इस समस्या को निपटने का जो भी रास्ता अब तक ने इस्तेमाल किया है वो परिणामकारी होगा, तो रास्ता बदलना पड़ेगा आपको, आपको बिल्कुल नए तरीके से सोचना पड़ेगा, और जब आप ये सोचेंगे तब आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि दरअसल नक्सल समस्या कोई समस्या नहीं है, समस्या है जिसको हम लोगों ने डेवलपमेंट मान लिया है, वो डेवलपमेंट का मॉडल ही सबसे बड़ी समस्या, उसमें से ही वो सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं जिसको हम लोग अलग अलग नामों से कर रहे हैं, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा कि ये डेवलपमेंट के मॉडल को ख़त्म करोगे तो रास्ते खुलेंगे, तो ये जो बहुत बड़ा या आप लोग जो अभी बात कर रहे थे कि जीवन शैली में क्या क्या बड़ा बड़ा परिवर्तन किया है, इन सब चीज़ों को जब तक छोड़ेंगे नहीं तो तब तक इसीलिए लड़कियाँ कपड़ा कैसे पहनने लगी मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, अगर आप इस डेवलपमेंट मॉडल को बदलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें लड़कियां अपनी ही सुविधा और इसके लिए अपना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसको छोड़ते नहीं हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये दिक्कत, तो छत्तीसगढ़ को भी इसी तरह से अपनी समस्या के बारे में सोचना चाहिए।